नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। आज का मुद्दा है अग्निपथ स्कीम के लिए। हम लगातार दो दिन से देख रहे हैं कि कई राज्यों में पर्टिकुलरली रेलवे स्टेशन को यूथ ने चुना ताकि वहाँ पे हंगामा करे और प्रोटेस्ट करे, और ये अग्निपथ स्कीम और लोग रिजेक्ट कर रहे इसको गवर्नमेंट को दिखाने के लिए पर्टिकुलरली रेलवे स्टेशन को चुना इन लोगों ने। जो भी हो, देश के ऊपर ऐसा प्रोटेस्ट सिंपल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए और इंटीमेट होने चाहिए। आपका प्रोटेस्ट किस वजह से है, क्या है आपका कंसर्न्स। मगर ये जो वायलेंस जो हम लोग देख रहे हैं वो गलत है, और इसको इसके लिए पत्थरबाजी टीम जो प्रिंट और सोशल मीडिया है वो इसके लिए क्या बुलडोजर चलेगी ऐसा कैप्शंस लिख रही है। ये और एक दुखद की बात है। वो लोग जिस बात को कंसर्न देना है वो बात कंसर्न नहीं देते हैं। सबको मिलाकर देखने के वजह से ये आर्जनी हो रही है देश में। ये मैं ये पूरा चर्य को बीजेपी बोल रही है, रूलिंग पार्टी बोल रही है, ये अपोजिशन का करतूत है, इसीलिए लोग भड़क के है। एक्चुअली ये स्कीम बहुत अच्छी है, तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को ही देती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ये अग्निपथ स्कीम ये अग्निवीर बनाने का स्क्रीन ब्रेन चाइल्ड ऑफ स्वर्गीय बिपिन रावत जी का, तो उनका तो वो अगर जिंदा होते तो न जाने इस स्कीम को लाने से पहले जनता को वो इंटीमेट करे होंगे क्या, वो प्रोसीजर क्या होगी मैं उसको एजम्पशन नहीं करूँगी। मगर जो स्कीम इतना पावरफुल स्कीम को देश के पास विदाउट डेबिट ऐसा प्रेजेंट करने का जो तरीका था वो गलत है। आखिर लोग ही आर्मी में भर्ती होना है, तो लोग को समझ में आना चाहिए क्या इसमें बेनिफिट्स है, क्या डाउट्स है, उसका क्लैरिफिकेशन क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का विधान है। इसको खाली एक आर्मी चीफ से आके राजनाथ सिंह जी ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को ही देती हूँ, सोच समझ के करे होंगे। आज रिपब्लिक ने अर्णब गोस्वामी जी अभी नेवी चीफ से भी बात करे तो वो भी इस स्कीम से बहुत सेटिस्फाइड है, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट तीनों आर्मी चीफ्स इस स्कीम से उनको अच्छा लगा ये स्कीम। क्योंकि ये बहुत बार चर्चा करने के बाद, कारगिल के रिपोर्ट के बाद ये स्कीम लाया गया है ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को देती हूँ। मगर पब्लिक का कंसर्न क्या है, ये मैं जो स्टूडेंट्स का है उनका तो एज का प्रॉब्लम है, क्या 4 ईयर सर्विस होगी, क्या कोई रैंक कोई डेजिग्नेशन नहीं होगी, ऐसा सब लोग बोल रहे। मेरा जब मैं ऑल ओवर द इंडिया पब्लिक कंसर्न देखे तो जो भी आम नागरिक का कंसर्न ये है कि क्या आर्मी रिक्रूटमेंट ऐसा होगी। तो इन्होंने एग्जांपल दे रहे हैं, गवर्नमेंट यूएस में, चाइना में, फ्रांस में ऐसा रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हुआ, उसका वो लोग फायदा ले रहे हैं। इसको यूक्रेन और रशिया वार की तरफ से मत देखो, इसका बेनिफिट्स बहुत हमने देखे हैं। मगर जो चरित्र भूल गया उनका फ्यूचर नहीं होगी, ये तो ये प्रॉब्लम हर एक वक्त हमको याद रखना चाहिए। जब मैं पूरा स्कीम का जो भी लाभ है वो एक तरफ बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को ही देती हूँ, वो लोग सोच समझ के रहे, मगर पब्लिक कंसर्न को भी आपको एड्रेस करना ज़रूरी है। पब्लिक नंबर, पब्लिक कंसर्न ऑन पब्लिक डिमांड, मेरा पहला कंसर्न ये है कि क्या हमने चरित्र भूल गए, क्या हम यूएस, फ्रांस, चाइना और बाकी जो देश है ऐसा शॉर्ट सर्विस रिक्रूटमेंट को लिए जो लिया आर्मी वो उनके लिए फ़ायदा हुआ, हमके लिए क्यों
फायदा होना है, क्यों फायदा, अगर फायदा नहीं हो तो उसका विजिलेंस कौन रखेगा, ये गवर्नमेंट ने पब्लिक को नहीं बताया। खाली रिक्रूटमेंट स्कीम बोल के बोल दिए, क्योंकि आर्मी एक जॉब की तरह देखे तो इससे और ज़्यादा हास्यास्पद नहीं होगी। तो आज अभी अभी जब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में जो आर्जनी हुई, उसके बाद किशन रेड्डी जी माननीय कृष्ण रेड्डी जी बोल रहे ये डायरेक्ट जवान्स है, जवान ही नहीं और टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट हो गए, टेक्निकल ट्रेनिंग भी होगी, तो सारे लोग जो भी रिक्रूट होते हैं वो जवान्स नहीं है, ऐसा बोल के एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। जितना मैं मुझे समझ में आया उनका भाव यही था, उनका अर्थ यही था। तो मैं बोल रही हूँ जब आपको स्किल डेवलपमेंट करना चाहें तो केवल आर्मी ही एक जगह है एक स्किल डेवलपमेंट के लिए, और जो 17 ईयर्स आप बोले तो इंटरमीडिएट लेवल के लिए तो बहुत सारे ITI है, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स है, पॉलिटेक्निक कोर्स है, वहाँ पे भी आप रिक्रूटमेंट ले सकते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा। तो ये DRDO का टेक्निकल रिक्रूटमेंट बोले तो ये DRDO ऐसे कंपनीज जो भी ये वेपन्स उसको बनाती है उन लोगों का काम है, वो लोग गवर्नमेंट से मिलजुल के ये DRDO का एप्लीकेशन होना चाहिए, मगर ये तो डिफेंस की तरफ से आया है, अग्निपथ वीर बोल के कहलाएंगे। तो इस 6 मंथ्स ट्रेनिंग में क्या उनको टेक्निकल का हाफ ऑफ द रिक्रूटमेंट में 45,000 में हाफ ऑफ द पर्सन को अगर कोई टेक्निकल चूज, इसको डिवाइड क्यों नहीं किया जवान्स और टेक्निकल रिक्रूटमेंट बोल के, अग्निवीर टेक्निकल अग्निवीर जवान बोल के ऐसा क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? तो आर्जनी होनी थी, क्योंकि पब्लिक को आर्मी से खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसा मैसेज आपने ही दिया, आपने कुछ चर्चा भी नहीं दी। तो जो चरित्र बोल जाते हैं उनका फ्यूचर नहीं होते। मैं समझती हूँ गवर्नमेंट इस बात में जो भी बिपिन रावत है उनका कंसर्न है, मैं भी पॉलिटिकल प्रेशर होगी कि कास्ट कटिंग के लिए कुछ टेक्निक निकालो, कुछ टेक्निक निकालो, आर्मी का बर्डन बन जाए, इसीलिए आपको हम मॉडर्नाइज्ड वेपन नहीं दे पा रहे हो, तो आप कुछ तरीका निकालिए बोले तो ऐसा तरीका निकाले होगे। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे आर्मी को खाली ग्राउंड पर वर्क करना आती है, उनको पॉलिटिक्स से उनका कोई संबंध नहीं है, उनको पॉलिटिक्स जिन्हें समझ है वो पोजीशन में नहीं होते, जो पोजीशन में है उनको समझ में आते हैं। तो वेटरन से ये लोग बात नहीं करे गवर्नमेंट, इसका इसीलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो बहुत तरफ गवर्नमेंट का जो बात ना करने का इस सेकुलर इस डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री में, इसका नतीजा आप अपोजिशन में नहीं अपोजिशन के ऊपर डालकर नहीं देख सकते। और मैं अपोजिशन को भी मैं इसको बात के लिए कहती हूँ, कोई मुंह नहीं खुला, पार्लियामेंट की तरफ से कुछ डाउट्स पूछे गए उसका ये लोग वही आंसर रिपीटेड आंसर्स दे दिए कल, वो सब हुआ। मगर जहाँ तक पब्लिक को समझ में आना था तो पब्लिक ने खाली रेलवे स्टेशन क्यों चुना, इस ये बात कंसर्न होती है। जहाँ बीजेपी रूल स्टेट नहीं है वहाँ पे खाली रेलवे स्टेशन चुना, तो ये अपोजिशन का इन्वॉल्वमेंट है इस दंगे पर, ऐसा मैं भी गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ। मगर पहला बात का ये है कि क्या हम लोग 1947 का जो हम लोगों ने देश बटा किस लिए बटा, हम इसीलिए बटे क्योंकि जिन्ना और यहाँ के सैकड़ों मुसलमान को एक राज्य होना चाहिए था, जो पाकिस्तान चाहिए था वो रिलीजन बेसिस में होना चाहिए था। तो रिलीजन बेसिस में जो शॉर्ट टर्म यही शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट, भाई लोग आप लोगों को एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, ये शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट एक कोई
न्यू तरीका नहीं है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम हमारे इंडियन सोल्जर्स को ऐसा चुना शॉर्ट टाइम के लिए ताकि वो वर्ल्ड वॉर टू लड़ सके। तो ये शॉर्ट टाइम टू में रिक्रूट वर्ल्ड वॉर टू में रिक्रूट हुए इंडियन आर्मी जो INC का बोस का आर्मी भी है। मैं तो इस रिलीजियस बेसिस डिवीजन के लिए बोस जी भी कुछ नहीं कहे, और आर्मी डिवीजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसमें कहीं उनका इंटरेस्ट ही नहीं था उनका, क्योंकि उन्होंने 1947 से पहले ही 42 में उन्होंने अपना गवर्नमेंट बनाया और उनका पहला प्राइम मिनिस्टर उनको ही हम मानते हैं। मगर उन्होंने कभी आर्मी को डिवाइड होगी शायद उन्होंने सोचा ही नहीं था। मगर हम जवाहरलाल नेहरू जी और ये गांधी का इतना बड़ा गद्दारी है कि एक नेशन बनाते वक्त उनको आर्मी भी सौंपा गया है और आर्मी को भी चूज करने को बोला कि आपको इंडिया चाहिए या पाकिस्तान चाहिए, आप रिलीजन बेस्ड होंगे आप भारत देश के लिए काम करेंगे। तो ऑब्वियसली जब रिलीजन का मामला आती है तो आर्मी भी डिवाइड हो गई। ये बात कोई हमसे नकारेंगे तो मुझे प्रूफ दिखाइए। आर्मी भी तो कैसे कैसे पाकिस्तान को इमीडिएट में इतना आर्मी कैसे आया, क्योंकि आर्मी डिवाइड हुआ वो भी रिलीजन बेसिस में, वो पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक या नॉन रिलीजियस होगी तो हमको वादा नहीं किया। और हम कौन होते हैं जब हम डिवाइड करके दे 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 वाले हैं और जिसको चूज आपको पाकिस्तान चाहिए इंडियन, तो ओवरनाइट दो हुआ, ओवरनाइट क्या हुआ, इंडियन आर्मी भी जो शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट सर्विस वर्ल्ड वॉर टू में जो इंडियन आर्मी बन के रेगुलराइज हुई उस आर्मी को ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान रिलीजन बेसिस में चुनो या भारत में चुनो, जो भी चुना है वो आर्मी पाकिस्तान विथ 25 crores। मैं एक्चुअली एक बात कहना चाहती हूँ, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक ऐसा नहीं देखा आफ्टर नेहरू कि पाकिस्तान को कॉर्नर करने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन था, ये टेररिज्म को बंद करने का बहुत बड़ा ऑप्शन था, वो है 300 crores जो अपने के लिए वो पार्टीशन टाइम पे हमको देने थी। तो सरदार वल्लभभाई पटेल तो 25 crores और गांधी जी कहने पर दे दिए विथ आर्मी विथ 25 crores। इसका नतीजा क्या हुआ, POK बने वो लोग, रातों रात पीओ के लिए वो लोग आर्मी कैसे वहां पे निकल पड़े। हम क्या कर सकते हैं, इतना आर्मी हो के भी हम पीओ के नहीं ले पा रहे, क्यों, इमीडिएट एक राज्य को बनाते हुए आप आर्मी कैसे दिए। ये ब्लंडर किसी गांधी को नहीं पूछते, किसी नेहरू को, किसी कांग्रेसी पर्सन को ये पूछना था। जो लोग ये कुलभूषण यादव को स्पाई बन के उनको साथ जो ड्रामा इंटरनेशनल कोर्ट्स में किया, मैं जहां तक चाहती थी बीजेपी गवर्नमेंट आई नरेंद्र मोदी जी इस बात को पाकिस्तान को कॉर्नर करेंगे और एक एक पैसा इन्होंने प्रॉमिस किया, मोदी जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया इंडिया से जो भी करप्शन का मनी है वो सब हम लेके आएंगे। तो क्या ये 300 crores जो पार्टीशन 1947 में हम लोग मुफ्त में दे दी उसका पैसा वसूल करने का ड्यूटी किसका है, ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस का है। जो MPs का आर्मी के लिए कास्ट कट देख रहे हैं उनका क्या ड्यूटी है, ये तो कोई बात नहीं पूछता। तो जो चरित्र भूल जाता है उनका फ्यूचर नहीं होता, ये चरित्र है कि हमने पाकिस्तान बनाते बनाते उनको 25 crores rupees दिया और आर्मी दिया, तो इसका ये अग्निपथ से क्या रिलेशन है, इसके लिए भी मैं बोलती हूँ। ये अग्निपथ स्कीम में ओवरऑल 4 years टर्म के बाद उनको 10 lakhs और 11 lakhs rupees एक एक जवान यो या टेक्निकल पर्सन समझो जो भी है उसको 11 lakhs rupees मिलती है। तो उनका एज अराउंड 25 years होगी, उन 25 years एज में उनको 10 lakhs दिए तो ये गवर्नमेंट समझ रही है वो क्या कि बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आत्मनिर्भर बन के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी या नहीं तो वो उनके फैमिली के लिए बेनिफिट हो रही। और दूसरा जॉब्स के लिए हर एक बैंक और इन्वेस्टर्स ऑलरेडी रेडी है बोल के बोल रही है। तो अगर बेनिफिट ऑफ डाउट मैं गवर्नमेंट के देती हूँ, मगर पब्लिक कंसर्न ये है कि अगर ये ओपन कैटेगरी रिक्रूटमेंट है
है, ये ओपन कर रहे, तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदूस, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसी, कोई भी ये ज्वाइन हो सकते हैं। जब आपके बगल अगल में दो मुस्लिम्स कंट्री है और चाइना है, ऑलरेडी यहाँ पे मोदी जी ये लुटियंस मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक नूपुर शर्मा के लिए एक आदमी को खिलाफ किला, तो आप इंटरनेशनली सॉरी बोलने के लिए झुक गए, तो इनको आपने हैंडल नहीं कर पाए, तो कैसे हैंडल करेंगे आप 4 इयर्स के बाद? क्या विजिलेंस होंगी इनको? तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, अग्निवीर का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो अगर 25 इयर्स के बाद उसका मन करा कि मैं हायर स्टडीज करने के लिए अमेरिका जाऊं, ऐसा बोल के यहाँ से निकल जा जाएगा ये 10 लाख लेके, जिस फैमिली को इनका बर्डन नहीं है तो वो दे देगी ये 10 लाख रुपए लेके, वो अमेरिका जा सकता है, सीरिया ज्वाइन हो सकता है, अलकायदा ज्वाइन हो सकता है, ISIS ज्वाइन हो सकता है, साउथ अफ्रीका में बिजनेस भी कर सकता है। तो ये कौन विजिलेंस रखेगा आफ्टर 4 इयर्स टर्म ये ये सर्टिफिकेट लेके ये अलकायदा या विद इन कंट्री में ये कुछ आपत्ति नहीं क्रिएट है, ऐसा आर्जनी नहीं क्रिएट करेगा, इसका क्या भरोसा है? क्या इसमें गवर्नमेंट ने ये स्कीम में नहीं होगी, मगर गवर्नमेंट का ड्यूटी है ये लो। तो पार्लियामेंट में जब कल ये कंसर्न हुआ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग कितने भी रिटायर्ड है, वेटरन लोग है, वो लोग किसी अलकायदा ऐसा ज्वाइन हुआ मैं हम लोग नहीं देखा। आपने पॉलिटिक्स अलग है, आर्मी अलग है, ये नेहरू ने किया। अमेरिका रन होती है तो अमेरिका का गवर्नमेंट रन नहीं होती, उसके पीछे अमेरिका आर्मी, US आर्मी उसके फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, मगर यहाँ पे नेहरू पाकिस्तान के जहाँ डर है इनके, इनको पाकिस्तान को उन्होंने जब बनाया, आर्मी दिया, तो इनो नेहरू का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए, जब तक मैं कुर्ता और पैजामा बदल नहीं डालते हूँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट बदल जाती है, इतना है इन्वॉल्वमेंट आर्मी का। तो हमारा तो इंडियन आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है पॉलिटिक्स में, तो ये पॉलिटिक्स दूसरा चलेगा और ये जवान से आगे आकर लड़ना है। तो ये मैं कहती हूँ ये आर्मी लड़ सकती है, अब जो भी है, तो 26/11 हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा अटैक्स के लिए रिवेंज, ये सब हुआ, तो फ्रंट एंड आर्मी ही होगी, मगर बैक एंड पॉलिटिक्स क्या है बोले तो उनको कैसे बचाया जाए, जो टेररिस्ट है उनको कैसे बचाया जाए, दाऊद इब्राहिम है तो उसको कैसे बचाया जाए, नहीं तो कैसे स्ट्रिंज एलिमेंट को एक्सपोज करने के लिए, इसको पोलराइजेशन के लिए कैसे उसको उसके लिए सुरक्षा करने के लिए, हम उनके गवर्नमेंट को लो, नहीं तो अपोजिशन को, नहीं तो रनिंग गवर्नमेंट को, इसको कैसे पॉलिटिक्स में बदलना है, यही आलोचना होगी। तो क्या ये विजिलेंस कहाँ पे है कि ये आर्मी, ये जवान जो अग्निवीर बन के बाहर आया है विदाउट 4 इयर्स सर्विस में, ये शॉर्ट टर्म सर्विस में वो बाहर आया है, वो 11 लाख लेके कुछ देशद्रोही काम नहीं करेंगे, ऐसा कारण है, क्योंकि हमारा चरित्र बोलती है जब रिलीजन का बात आती है तो आर्मी भी डिवाइड हुआ। तो अब क्या हम लोग ये देश सेक्युलर कंट्री बोल के बोल रहे हैं? ये ओपन कैटेगरी रिक्रूटमेंट है। ज़्यादातर लिबरल मीडिया इस बात से कंसर्न है कि इंडियन आर्मी में 3% ही मुस्लिम्स है, 1% ही क्रिश्चियंस है, मगर ये 3% रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट, तो हर एक इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट ओपन कैटेगरी है, वो तो कोई नहीं बदला, मगर ये लिबरल मीडिया का जो अल जजीरा से, चाइना से फंडेड है, ये लिबरल मीडिया क्या बोलती है, खाली 3% ही है इंडियन आर्मी में मुस्लिम्स, ये लोग इसीलिए जाकर आप जो भी पत्थरबाजी करके कर रहे हैं, जो भी फ्राइडे प्रेयर्स के बारे में गवर्नमेंट पे पत्थरबाजी, उन मदर उनके पेरेंट्स से पूछा आपके बच्चे इतना अच्छा पत्थर मार रहे हैं क्यों ना इसको आर्मी में डाला जाए, तो वो बोलेंगे
हमारे अगर आर्मी में ज्वाइन हो तो हमको पाकिस्तान के मुस्लिम को मारना पड़ता है, बांग्लादेश के मुस्लिम को मारना पड़ता है, इसीलिए हम लोग आर्मी ज्वाइन नहीं होंगे। ये ओपन स्टेटमेंट है। ये अगर ये गवर्नमेंट को नहीं पता है, ये पब्लिक को पता है, और ये गवर्नमेंट को नहीं पता है तो ये तो पब्लिक कंसर्न होगी, तो बेनिफिट ऑफ डाउट अब पब्लिक का पास जाती है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम आर्मी इंडियन आर्मी को मार सकती है क्योंकि वो काफिर है, मगर इंडियन मुस्लिम आर्मी, इंडियन मुस्लिम ने अगर आर्मी में ज्वाइन हुआ वो पाकिस्तान को नहीं बन सकते। अगर रिलीजन का कार्ड पहले आ गया तो ये लोग वहाँ पे झुक जाएंगे। ये तो हम लोग 1947 में POK ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड एक केस है जिसको अब तक हम लोग ने सॉल्व नहीं किया, और ये 11 लाख क्रूज आप लोगों को 45,000 लोगों को एवरी ईयर रिक्रूट कर, जो सेकंड कंसर्न है मेरा 45,000 यूथ को आप रिक्रूट करना चाहते हैं, जिसमें 25% ही आप परमानेंट करेंगे, रिमेनिंग 75% स्किल डेवलप करके उसको देश में जाना। क्या ये गन कल्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं होगा? आपने तो देखे है शाहरुख खान कोई है दिल्ली राइट्स में जो IAS एस्पिरेंट बनना चाहता है, मगर जब रिलीजियस का बात आया तो वो गन लेके गवर्नमेंट पे उपाय रहे, तो गन कल्चर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये सब लोग है जब अग्निवीर है, इसके पास सर्टिफिकेट है, दे आर रेडी टू अप्लाई फॉर गन, वो लोग उनके पास गन अप्लाई करने के लिए बहुत चांसेस है, गवर्नमेंट कैसे लिखना है? इसके लिए क्या आपने मेकानिज्म ढूंढी है कि इन पर विजिलेंस होगी आफ्टर सर्विस? तो आपको मेरा 13 पब्लिक कंसर्न पब्लिक डिमांड के ऊपर थर्ड पॉइंट मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपको 25% ही यूथ को परमानेंट आर्मी में लेना है तो 75% यूथ को आप क्यों रिक्रूट कर रहे, क्यों उन पर मनी बर्बाद कर रहे हैं? क्या ये कास्ट कटिंग मैकेनिज्म में आती है? तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं गवर्नमेंट? ये बेनिफिट ऑफ डाउट पब्लिक का है। तो ये 75 मेंबर्स खाली एक आर्मी में इनका स्किल का डेवलपमेंट हो गया? बहुत सारे है सेक्टर्स है, बहुत फील्ड्स है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कंप्यूटर्स है, मेडिकल में है, जो भी वाटर सप्लाई में है, वो इको सिस्टम में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, बहुत बहुत जगह ऐसा सेक्टर्स है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो आप चाहे तो इस ये स्किल डेवलपमेंट सारे सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं, काले आर्मी में क्यों? ये डाउट पब्लिक का है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट पब्लिक के लिए रखती हूँ। जब आपको 25% ही लेना है तो 75% क्यों रिक्रूट किया? इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं, इसका बात कोई चर्चा नहीं की पार्लियामेंट में, इनको एक्शन किया। अगर इंसर्जेंसी हो ये तो आपके पास मैकेनिज्म है, तो गवर्नमेंट ने बोली मैं हमने तो ऐसा नहीं देखा, इंडियन आर्मी सो डिसिप्लिन में, इंडियन आर्मी तब भी डिसिप्लिन में, किसी के लिए ब्रिटिश के लिए हम लोग लड़ाई लड़ के आए, मगर क्या हुआ आखिर में? क्या पॉलिटिक्स चली पीछे? गांधी का पॉलिटिक्स जो देश के साथ पार्टीशन के साथ एक कंट्री को मनी के साथ आर्मी भी सौंपा जाए, ऐसा डिवीजन आपने कहीं कहीं विश्व में देखा है क्या? ये अलग एक खाली इंडिया में होगी? हम क्यों किसी और को लेकर, हमारे इंडिया का नेचर अलग है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन अलग है, इंडिया का रिलीजियस स्टेटस अलग है, उन लोगों का स्टेट रिलीजन है, USA का स्टेट रिलीजन है, फ्रांस तो थोड़ा सेकुलर बोलती है, मगर मैक्रॉन ने वो बहुत अच्छा जो भी जिहादिस है वो जो फ्रांस वो मीडिया पर्सन चार्ल्स हेब्डो को मारा, इसके बाद उसने स्ट्रिंजेंट एक्शन ली। वहाँ पे जो भी इस्लाम है वो तो रेफ्यूजीज है, फ्रांस में इस्लाम इज़ ए रेफ्यूजी रिलीजन, मगर इंडिया में तो इस्लाम ऑब्जर्व्ड रिलीजन है ना, यहाँ पे भूस्थापित हुआ, यहाँ पे बुद्धिस्ट को इन लोगों ने निकाल दे के खुद अपना राज्य बनाया, अपना कल्चर हम पर जबरदस्ती तोपा। तो ये इस्लाम तो स्टेट से मिंगल होती है, जैसे हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म होते हैं ऐसे ही मिंगल हो गए। तो आप क्या मैकेनिज्म क्रिएट किया कि विजिलेंस रखे जाएंगे?
इसमें मैं काले मुस्लिम्स को नहीं बोलती हूँ, बहुत सारे लिबरल्स है जो ऐसे मीडिया में जाकर ये गलत है वो गलत है स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट जा सकते हैं, तो आप कैसे रोकेंगे इसको? जब आपको 25% है जाना है तो क्या कास्ट कटिंग मैकेनिज्म में शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग इसको रिक्रूट कर रहे हैं? तो आपका आर्मी का एज कंसर्न है तो 75% लोगों को आप मुफ्त में क्यों 11 लाख रुपीस दे रहे हैं? उनको उन्होंने क्या सर्विस किया? आपने उसको ट्रेनिंग करते हैं, आपने ना ही उनके साथ कोई सर्विस अपनाया, ऊपर से आप लोग 11 लाख। अब अलकायदा ISIS पाकिस्तान बहुत लो बजट में है, तो ये तो शॉर्ट टर्म अलकायदा रिक्रूटमेंट होती है। सॉरी, मगर ये बेनिफिट ऑफ डाउट पब्लिक के डिमांड पर जाती है, ये मेरा कोई इससे कंसर्न नहीं है। अगर ओवरऑल इसके लिए मैकेनिज्म है तो आप पब्लिक में इसको डिबेट करने पर पार्लियामेंट में डिबेट हो, पार्लियामेंट या अपोजिशन पर हमको बिलीव नहीं है। आप पब्लिक के सामने इसका सारा मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की ड्यूटी आप पर है। एक कोई ऐसा ही आपने अच्छा जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फार्मर्स लाता उसको आपने वापस ले लिया। अगर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिक्रूटमेंट है और बिपिन रावत का आइडिया है तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को देती हूँ। आप फेल हुए एक्सप्लेन करने पर। पब्लिक कंसर्न ये है कि इंडिया का सिक्योरिटी, जवान का सिक्योरिटी है इसमें, क्योंकि आप लोग शॉर्ट टर्म विदाउट सर्विस, वो लोग का सर्विस बिना कुछ ज़्यादा सर्विस करे हुए उनको 11 लाख रुपीस मिल रही है और ट्रेनिंग भी मिल रही है, मगर 25% लेना है तो 75% को मुफ्त में 11 लाख रुपीस आप उन पर खर्च, जो भी ट्रेनिंग के लिए खर्च कर रहे हैं उसका, और जो ये 11 लाख रुपीस का आपके पास क्या थी मैकेनिज्म इसको शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट सर्विस बोल के कहने के लिए? इसमें तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। होप आप सबको पब्लिक कंसर्न में थोड़ा ही आपके पास रखी हूँ। अगर हम क्योंकि पहले ये लोग जो पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए मैं पब्लिक डिमांड के लिए आप जो भी पब्लिक डिमांड पब्लिक कंसर्न क्वेश्चंस है आपके सामने रख रही हूँ। इसका पार्लियामेंट ने राजनाथ सिंह ने समाधान दिया कि ऐसा इंसर्जेंसी वो भी कभी हमने नहीं देखा। इंडियन आर्मी इज डिसिप्लिन, नो डाउट इंडियन आर्मी इज शो डिसिप्लिन, दे नेवर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। जिनको पॉलिटिक्स समझ में आता है उनसे शायद ये कंसर्न नहीं लिया। मैं और जनरल बख्शी जी सर से पूरा समय सहमत हूँ कि ये रॉन्ग वे है रिक्रूटमेंट का। ये शॉर्ट टर्म सर्विस ये कोई न्यू नहीं है, ना ही कोई ब्रिलियंट आइडिया है, ये वर्ल्ड वॉर टू में अप्लाई हुआ सर्विस है। ये रिक्रूटमेंट ऐसा है कि 18 इयर्स के लिए आए तो वोट डालने के लिए एलिजिबिलिटी है, 21 इयर्स बिलो है तो रेप करे तो वो जुवेलियन है, मगर 17.5 ईयर्स में आर्मी में जाना, 21 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट हो जाना, क्या ये सही तरीके सर्विस रिक्रूटमेंट है? यही पब्लिक का कंसर्न है, यही पब्लिक का डिमांडिंग क्वेश्चन है। एक ऐसा रिक्रूटमेंट है जिसमें ना कोई सर्विस लेने की सुविधा है ना कोई ज्वाइन होने की इसमें। अगर अल्लाह की देन से अगर एक एक घर से दो दो बच्चे हुए तो विद इन नो पीरियड कितने इंडियन आर्मी में टेम्पररी के लिए ज्वाइन होंगे, एक अभी आपने काउंट किया? यही है पब्लिक कंसर्न। अल्लाह की देन अब तो 3% है इंडियन आर्मी में, अगर ये एवरी ईयर 45,000 मेंबर्स को रिक्रूट करने वाले स्कीम में घर से दो बच्चे निकले तो क्या होगी इंडियन आर्मी का ये पोजीशन? ये मेरा कंसर्न है, एज अ हिंदू आई एम कंसर्न अबाउट इट। मैं ऑलरेडी 1947 पार्टीशन के टाइम पे हमने चेक किया इनका सेकुलरिज्म, और 92 में पंडितों का एक्सोडस पर कौन थे होम मिनिस्टर उस टाइम पे देखा, तो अब आर्मी में पूरा अल्लाह की देन है तो क्या करेंगे हिंदू? यही है पब्लिक कंसर्न, इसका समाधान चाहिए।
क्या ये ओपन कैटेगरी नहीं होगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होंगे, आप भी आपका राय रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक लेती हूँ मैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।